महमदी वालारिक व्ही बसम कैसे हैं आप सब इन शाली आप सब लोग खैरौे से होंगे आज मैं आपके लिए गर्म शॉल्स लेके आई हूँ स्टार्टेड में कुछ पश्मीना की और बहुत अरसे बाद आ रही हूँ मतलब एक वीक के बाद आ रही हूँ लगभग ना तो आई होप अच्छा फीडबैक देंगे क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा भी डिले कर दूँ मैं और दोबारा हूँ तो ऐसे लगता है कि आप लोग भूल गए हो मुझे ऐसा ही है ना आप बताइएगा भूल गए हो कि याद रखा आपने अपने आप ही को नेक्स्ट मैं आपको इसमें ग्रे शेड दिखा रही हूँ आज मैं आपको पहले दिखाऊँगी लिपटी हुई कलर ऑप्शन दे दूँगी फिर मैंने एक आपके लिए खोल के रखी हुई है आउटलाइन भी बहुत प्यारी नेट के ऊपर आप देख सकते हैं बनी हुई है और बहुत खूबसूरत चीज़ है ये पर्ल में सेकंड आपको शेड दिखा रही हूँ उस पर ही सी बात है आप देख सकते हैं थ्रेड कलर चेंज है पहला जो मैंने पर्ल में आपको दिखाया था उसके थ्रेड कलर चेंज थे नेट का कलर भी चेंज था उसका कुछ महरून काइंड था इसका ब्राउन काइंट का है तो बहुत ही प्यारा स्टफ़ आया क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है और उसमें पशमीना की शॉल का मुझे बाहर से इतना आ रहा था और ये आ, मैंने ना कल ही शूट करके वीडियोस रखी हुई थी आ, अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल कभी सर्च नहीं किया और आप जानते नहीं हो कि मेरा एक व्लॉग चैनल भी है तो उसको ज़रूर सर्च कीजिएगा जूनीफ लाइफ के नाम से है। अच्छा ये जिंक ग्रीन कलर में दिखा रही हूँ आई थिंक ये मुझे उल्टी लग रही है शॉल देखना ये शॉल उल्टी लग रही है इसको ज़रा सीधा करके दो ये उल्टी लग रही है क्योंकि एम्ब्रॉयडरी पे नेट अच्छा लग रही है सारी ये आपको मैं दे रही हूँ ग्रे में सेकंड शेड दे रही हूँ ऊपर मैं जो है आपको दे दूंगी नंबर वन नंबर टू उसकी वजह ये है कि थ्रेड के चेंज हैं अब इसमें आप देखें इस तरह से थ्रेड कलर आ रहे हैं जब तक वो वाली जो शॉल है उसको सीधा करके दिखाता है ये देखें ऐसे पड़ी हुई थी ना उल्टी थी वही मैं कहूँ कि एक जैसी थी अच्छा ये देखें इस तरह से थी वो वाली अगर आपने उसकी स्क्रीन शॉट्स लेनी है ना जैसे उल्टा ही पड़ा था आप स्क्रीन शॉट ले दे सकते हैं एक मैं आपको इसमें सिल्वर ग्रे शेड दिखा रही हूँ सब का स्टफ़ पश्मीना है एंड में मैं आपको खुला हुआ दिखाऊंगी देखेंगे इस तरह से कुछ इसका बैक साइड पे जो है ये था और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसकी वजह ये है कि मैंने आवाज़ डब की थी और बाद में जब मैंने चेक किया तो बिल्कुल ही इसकी आ, सही नहीं आ रही थी वॉइस क्लैरिटी बहुत शोर आ रहा था आलमंड शेड आपको दे रही हूँ उसमें एक ये पिस्ता सा कलर है पिस्ताई सा ग्रे सा मिक्स दो तीन टोन कर लें तो शेड है क्योंकि आप देख रहे हैं डबल शेडेड ये होती हैं ये नीचे जो पड़ी है ना शॉल ओपन होके अब मैं आपको पूरी दिखाऊंगी सेंटर में बिल्कुल इसकी प्लेन है पश्मीना इसका स्टफ है इतनी हीूज और बड़ी बड़ी इसकी शॉल है तो ये कल से ही मैंने इसको एडिट किया हुआ था और जब मैंने इसको अपलोड पर लगाया तो वॉइस में इतनी ज़्यादा ख़राबी थी आ, क्योंकि मैं लाइव ही कर लेती होती हूँ ना वॉइस तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था बैकग्राउंड में ना यहाँ पर कुछ आ, काम हो रहा है पता नहीं क्या बना रहे हैं ये लोग तो पहले भी मैंने एक दो दफ़ा आपको बताया तो पिछले तीन मंथ से जो है यहाँ वर्क हो रहा तो बहुत शोर आ रहा था इसमें फिर मुझे नए सिरे से करना पड़ा एक ये आजकल बड़ी ह्यूज़ फैन फॉलोइंग हो रही है इस शॉल की ये मॉर्निंग शो पे शाइस्त लोधी और निधा पाशा ने वेयर की हुई थी अगर इसकी मुझे पिक्चर मिली तो मैं थम नेल पे लगा दूँगी आप देख सकते हैं इस टाइप की पहनी हुई थी उसने ये जो है ये खडी की है ठीक है इसका स्टफ खडी है और ये आ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं डार्क ग्रेइश ब्लैक वाइट और रेड कॉम्बिनेशन के साथ है और शोल्डर पे डाले हुए बहुत प्यारी लगती है काफ़ी ह्यूज साइज में है ये मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ बाकी अगर आपने मेरा अभी तक व्लॉग चैनल सर्च नहीं किया तो जूनफ ला, लाइफ के नाम से आप सर्फ, आ, सर्च करेंगे तो मैं आ, जो है वहाँ पर आपको इन अपने बारे में हल्का पुल्का अपटू अपडेट करती रहती हूँ कि मैं आजकल कहाँ हूँ जैसे एक वीक से मैं गायब थी तो जो मेरे मुझे पसंद करते हैं और फ़ैन फॉलोइंग है मेरी वो लोग वहाँ सर्च कर लेते हैं कि भी ऐसी क्या मसरूफियत थी कहाँ हैं जिसकी वजह से इस चैनल पे कुछ मैं नहीं डाल पा रही ये आपको दिखा रही हूँ मैं मिंट ग्रीन शेड में इस इसमें मिरर वर्क नहीं किया हुआ जस्ट कुछ टांके के साथ जैसे सिंधी टांका भी कहते हैं उसके साथ आप देख सकते हैं इस तरह से शॉल है और प्लेन ट्राउज़र है बाकी खुला कपड़ा परेशान नहीं होना इसका बैक साइड अलग है और ट्राउज़र का कपड़ा इसका जो है वो अलग है हर चीज़ इसकी अलग अलग है स्लीव्स का भी आपको अलग कपड़ा जो है वो प्लेन में मिलेगा इसमें आप देख लें शॉकिंग पिंक में एक आपको मिल जाएगा बाकी ये जो है वो लबूसी में है कपड़ा ठीक है कपड़ा भी मैं लिख दूँगी ये इस तरह से इसकी शॉल आ गई पूरा पेयर बना के रखती है ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो शॉल प्लेन है बस फोर साइड पे ब्रोश है इसका बॉर्डर दिया हुआ है ट्राउज़र पे काम है अलबत् ये देखें इस तरह से शॉल है ये आप देख सकते हैं फोर साइड बॉर्डर है शॉल पे ब्रोशा का सॉरी टू साइड बॉर्डर है लंबाई रुख में जो बॉर्डर होता है ना वहाँ पर ये इसमें मैं आपको एक दे रही हूँ नीचे तरबूजी सा और रेड मिक्स करके उसके ऊपर रेड कढ़ाई के साथ ये काम है ये आप देख लें इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट कलर ओपन करके दे रही हूँ ये पीच येलोइश येलोइश काइंड कलर है क्योंकि पीच भी आ रहा है आप देख लें धारी दार कपड़ा है ना तो डबल शेडिड है ये ये इसके ऊपर जो है ब्राउन कलर में एम्ब्रॉयडरी की हुई है कुछ टाँका जो है इस पर बना हुआ है मिरर वर्क नहीं है इसको मिरर वर्क मत समझिएगा अब ये आपको दे रही हूँ गोल्ड स्किनी सा इसका कलर था जो कि पता नहीं क्यों ग्रे आ रहा है आ, शायद इस वजह से कि ये भी धारी दार कपड़ा पर इसकी दिखने में जैसे ही बेस देखे तो गोल्ड आता है जहन में ये इसका पन्नी लगा हुआ है मिरर नहीं है ठीक है काफ़ी हैवी आप देखें इस पर बड़ा प्यारा लग रहा है बहुत नाइस से और बड़े खूबसूरत से ये सूट आए हैं ये स्टेपल लीलन में हैं जनाब इसके साथ ये रंगोली के ट्राउज़र और रंगोली में शॉल है और अब आपको मैं बता दूं कि शर्ट का कलर तो सब का यही है पर मैं आपको चार कलर की दे रही हूँ ट्राउज़र में शॉल इसकी खोल के आपको दिखा देती हूँ शॉल में सारे कलर आ रहे हैं वही जो ट्राउज़र्स आपको चार मिलेंगे अब आप स्क्रीन शॉट्स जब लेंगे तो आप सिर्फ शर्ट की लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन से ट्राउज़र के साथ चाहिए जैसे कि इसमें एक आपको टी पिंक मिल जाएगा शर्ट भी यही है शॉल भी सेम है बट ट्राउज़र जो हैं उनके कलर चेंज हैं एक आपको टी पिंक पे मिल जाएगा एक आपको ये पिस्ता ग्रीन शेड मिल जाएगा ट्राउज़र में आप अगर ये सूट लेना पसंद करेंगे तो मुझे सिर्फ शर्ट की भेज के नीचे लिख दीजिएगा कि आप इस कलर का ट्राउज़र साथ भेज दीजिएगा ग्रे के बाद आपको मैं इसमें दिखा रही हूँ टी पिंक ये आप देख लें टी पिंक डल में है एक डार्क में है एक डल में है अब मैं आप उसको दिखा देती हूँ ये देखें एक डार्क में टी पिंक है एक डल में है एक इसके साथ आपको पिस्तैशु ग्रीन मिलेगा एक आपको ग्रे मिलेगा तो बात फिर वहीं पीछे कहीं हो जाती है तो मैंने ये जब बना लिया था इसके बाद यहाँ से फ़ौर ही मैं काम निपटाने के बाद भाई के साथ जब मैंने वीडियो ये पूरे आपको दिखा दिए थे ड्रेसेस तो मैं मुल्तान में, में मेट्रो का अफ्त हुआ था मेट्रो मॉल का मार्ट है वहाँ ग्रोसरी के लिए गई थी उसका बड़ा मज़े का मैंने बनाया व्लॉग तो आप देख सकते हैं जुनेफ आ, लाइफ पर जा करके ना अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये अजरक में है और लीलन पर है ये ठीक है और इसकी शॉल्स भी काफ़ी ह्यूज हैं और इस पर मिरर वर्क किया हुआ टोटल हैंड मेड होते हैं ये ठीक है जनाब इसके बाद ये जो आपको अजरक में दिखा रही हूँ ये लीलन में है बट इसका जो दुबट्टा है वो झटझट में है ट्राउज़र भी इसका लीलन में है शर्ट भी इसकी लीलन में है पडुबट्टा जॉजट में है बेस इसकी ब्लैक और इंडिगो ब्लू विद वाइट के साथ आप देख सकते हैं सर्कल्स में दोनों तीनों कलर आ रहे हैं इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये कलर था बहनों जैसे मेहंदी सा कलर होता है ना मेहंदी गोल्ड शेड ये वो था बट पता नहीं क्यों इसमें डार्क ग्रे सा इसको कैप्चर हुआ अब मैं देख रही हूँ आप भी देख लें हालांकि ये मेहंदी सा इसका कलर था और इसके ऊपर टोटल हैंडमेड मिरर लगा हुआ है पन्नी नहीं है इसका बैक साइड ट्राउज़र प्लेन है और स्लीव्स का कपड़ा भी इसका प्लेन है और ये इसकी शॉल है शॉल पे भी इस तरह से मिरर लगा हुआ है हैंडमेड है ये ये हैंडमेड है ठीक है ये बहुत प्यारे लग रहे थे और दो ही पीस मेरे पास आए हैं इसका फिर आज की वीडियो का आयो अच्छे से फीडबैक देंगे व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना स्टार्ट में लिख दिया हुआ है और इसका कपड़ा जो आपको दिखा रही हूँ इसका कपड़ा भी स्टेपल लीलन है ये देखें स्टेपल लीलन के ऊपर कढ़ाई करवाई है इतनी खूबसूरत लग रही है बहुत ही ग्रेसफुल से हैं गरम कपड़ा है टोटल आज की जितनी भी वेराइटी दिखा रही हूँ ये विंटर्स के सूट हैं शॉल्स वाले सूट हैं सिर्फ एक अजरक का सूट ऐसा था वो भी विंटर की ही लीलन है बट उसके साथ झटझटका डुबटा आया है ये आपको दिखा रही हूँ रॉयल ब्लू में स्क्रीन शॉट्स लें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजें मिलती हूँ आपसे अपने व्हाट्सएप पर इजाज़तें अल्लाह हाफिज़ फ़ी हाफिमान